हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्री कीवर्ड रिसर्च के कुछ ऐसे टेक्निक बताऊंगा और कुछ ऐसे टूल्स बताऊंगा जिससे कि आप आराम से आसानी से फ्री कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। और इस पे आपको कोई भी पेड टूल की ज़रूरत नहीं होगी, सारे कीवर्ड्स जो है वो आप गूगल से आप निकाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो कौन से टूल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला जो टूल है उसका नाम है कीवर्ड सर्फर। ये एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन है जिसको आप अपने ब्राउज़र में ऐड करके आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको गूगल क्रोम एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है अपने ब्राउज़र में। ऐड करने के बाद अब आप क्या करोगे, गूगल पे जैसे ही जाओगे और कुछ भी आप सर्च करोगे, जैसे कि मान लीजिए आपको कीवर्ड रिसर्च पे ही कोई आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो अगर इसको हम सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ जो है वो कीवर्ड सर्फर डेटा देगा, जिस डेटा को आप जो है अपने वेबसाइट में यूज करके आराम से जो है वो आर्टिकल तैयार कर सकते हो। तो यहाँ से आप देखो कीवर्ड सर्फर जो है ये यहाँ पे क्या क्या आपको देता है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे गूगल पे तो यहाँ पे आप देखोगे, आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे में यहाँ पे जहाँ पे भी कीवर्ड सर्फर का टैब होगा उस टैब में आप देखोगे तो यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स देगा, ठीक है। इसमें आपको सिमिलैरिटी दिखाएगा और वॉल्यूम दिखाएगा। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी वाले सिमिलर सर्चेज जो होते हैं वो जैसे कि सर्चेज कीवर्ड्स, कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल्स कीवर्ड प्लानर, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये आपको देता है। और उस पर जो है वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो ये साइड में देता है, जिससे आपको हर एक कीवर्ड का वॉल्यूम पता चल जाता है। और यहाँ पर ये टोटल जो है वो 20 कीवर्ड आपको देता है फ्री में, जिससे कि आपको यहाँ पर 20 कीवर्ड तो आपको आसानी से यहीं से गूगल से ही मिल जाता है। यहाँ पे आप जो है वो किसी लोकेशन बेस्ड कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हो। अगर किसी खास लोकेशन जैसे कि किसी भी कंट्री के लिए अगर करना है तो आप उस कंट्री को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे इंडिया के लिए करना है तो मैंने इंडिया सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ से मुझे वो कीवर्ड्स के 27 कीवर्ड्स के लिस्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको और कुछ डेटा ये देता है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले कि ये सबसे ऊपर में यहाँ पे जो सर्च बार है इसी में आपको जो है वो ट्रैफिक देता है और उसका जो CPC वो मिल रहा होगा आपको, इस कीवर्ड पे जो भी CPC मिल रहा होगा गूगल में वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कीवर्ड का वॉल्यूम और CPC दोनों पता चल गया। उसके बाद और नीचे अगर आप आओगे तो आपको जो जो वेबसाइट ने इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिख रखा है वो उस आर्टिकल के बारे में आपको जो है ये डेटा कुछ देगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये मोज का है, इसने जो है वो 3375 वर्ड्स का आर्टिकल इसने लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जैक्ट कीवर्ड्स जो है वो 27 इसने ऐड किया हुआ है। उसके बाद और नीचे जाओगे तो उसी तरह से बैक लिंक को इनका इसका जो ये गाइड है वो 8000 वर्ड्स का है, उसी तरह कीवर्ड टूल का 3000 वर्ड्स का है। मतलब अगर आपको इस कीवर्ड पे रैंक करना होगा तो आपको जो है ये जितने जो वर्ड्स यहाँ पे है इस वर्ड के ही सिमिलर, मतलब इस वर्ड के आसपास या फिर इससे ज़्यादा आपको लिखना होगा, ठीक। तो इस टूल से आपको ये पता चल जाता है कि आपको क्या वॉल्यूम है, क्या CPC है और कितने वर्ड्स के आर्टिकल आपको लिखने होंगे। अगला जो कीवर्ड टूल है वो है RF का फ्री कीवर्ड जनरेटर। ये भी टूल काफ़ी अच्छा है और इस टूल में ये चूंकि RF का है तो आपको पता ही होगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा है और आप जो है इस पर जो है एकदम जेन्युइन फ्री कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। इसमें जो ये कीवर्ड देता है वो आप यहाँ पर देखोगे गूगल, बिंग, यूट्यूब और अमेजन के लिए आप ये सर्च कर सकते हो। अगर YouTube के लिए भी करना है तो आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, Amazon के लिए भी कर सकते हो, Bing के लिए भी कर सकते हो, Google के लिए भी कर सकते हो। अब जैसे YouTube, जैसे कि यहाँ पे Google के लिए मुझे मान लीजिए हाउ टू लूज वेट, अगर इस कीवर्ड पे मुझे आर्टिकल लिखना है, ठीक, तो मैं ये कीवर्ड लिख के यहाँ पे सर्च करूँगा। तो यहाँ पे कंट्री जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कंट्री सारे जितने भी कंट्रीज हैं सबका ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, जिस कंट्री से भी आप हो वो, जैसे कि हमारा जो है वो इंडिया है तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट का ये जो ऑप्शन है इसको आपको फिल कर लेना है और ये जो है आपको कीवर्ड रिसर्च करके दे देगा। इवन ये जो है कीवर्ड जनरेट करता है तो ये आपको आइडिया भी देता है नए नए टॉपिक्स का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने हाउ टू लूज वेट पे अगर सर्च किया तो इसने 100 कीवर्ड्स मुझे दिया हुआ है और इसने तरह तरह के आइडियाज़ भी आपको दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो सारे जो कीवर्ड्स हैं इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी लगभग 10 कीवर्ड्स के जो यहाँ पर डिफ़िकल्टी ये शो कर रहा है। उसके अलावा जो है
वॉल्यूम यहाँ पे हर एक कीवर्ड का शो कर रहा है, और अपडेटेड जो भी कीवर्ड जो है वो लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं जो कि अभी अपडेट हुए हैं, जिन पे अभी ट्रैफिक आ रहा है, वो कीवर्ड्स यहाँ पे जो है इसने दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अब जैसे कि यहाँ पे आपको टारगेट करना होगा, कोई एक पर्टिकुलर जो है कीवर्ड आपको टारगेट करना है और उस पर आपको जो है वो लिखना है आर्टिकल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे कि जो है कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे शो कर रहा है आपको, तो कीवर्ड डिफिकल्टी शो कर रहा है तो यहाँ पे जो ज़्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी शो कर रहा होगा उसको आपको नहीं लेना है, आपको जो है वो 30 या 20 से नीचे जो भी कीवर्ड डिफिकल्टी होगा उसको आपको उठाना है, वो वाला कीवर्ड आप ही उठाओगे। तो अब यहाँ पे जैसे कि हाउ टू लूज वेट इन 7 days, ये जो कीवर्ड है उस पर 33 कीवर्ड डिफिकल्टी है, मतलब इस पर रैंक होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू लूज वेट फास्ट इन 2 weeks 10 kg, ठीक है, ये 12 है, तो इस पर भी आपको जो है वो रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस पे जो वॉल्यूम है वो 4.4K है, ठीक। यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है हाउ टू लूज वेट फास्ट विदाउट एक्सरसाइज, ये 35 है, इस पे भी आप रैंक कर सकते हो, 2.9K जो है ये वॉल्यूम है। तो आप देख सकते हो कि ये इस तरह से आइडिया आपको देता है, और इवन आइडिया के अलावा ये आप ये कीवर्ड्स के अलावा ये आपको बहुत सारे आइडियाज़ देता है आर्टिकल लिखने का। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि हाउ टू लूज वेट एट होम, तो इस पे आप एक आर्टिकल लिख सकते हो। हाउ टू लूज वेट इन 7 days, इस पर भी आप एक आर्टिकल लिख सकते हो। हाउ टू लूज वेट विदाउट एक्सरसाइज, इस पर भी लिख सकते हो आर्टिकल एकदम पर्टिकुलर। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो हाउ टू लूज वेट नेचुरली एट होम रेमेडीज, मीन्स होम रेमेडीज के थ्रू भी आप पूरा जो है लिख सकते हो। यहाँ पे विदाउट डाइटिंग आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे फास्ट नेचुरली एंड परमानेंटली नीचे, और देखोगे ये पूरा इतना सारा आइडियाज़ आपको जो है इसने दिया हुआ है। इन सब पे आप जो है वो आर्टिकल लिख के एक नया नया जो आर्टिकल बना सकते हो और रैंक कर सकते हो। तो ये आइडियाज़ आपको यहाँ से जनरेट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस भी ये आपको देता है, क्वेश्चंस आप जो है निकाल सकते हो और उस क्वेश्चंस को FAQ में ऐड कर सकते हो, या फिर उस क्वेश्चंस से भी आप जो है वो आइडियाज़ ले सकते हो। वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे है, जैसे कि हाउ मेनी कैलोरी शुड आई बर्न अ डे टू लूज वेट कैलकुलेटर, ठीक है, हाउ मेनी कैलोरी शुड आई ईट अ डे टू लूज वेट, इस तरह से हाउ मच वाटर शुड आई ड्रिंक अ डे टू लूज वेट, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपको दे रहा है और उस क्वेश्चंस पे कितने ट्रैफिक हैं वो भी आपको दे रहा है। तो ये आपके लिए FAQ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होता है, और ये RF का है तो इस पर कोई डाउट ही नहीं है। तो उसके बाद जो अगला है टूल वो है की सजेस्ट, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज जो है वो मिल जाएंगे कीवर्ड रिसर्च पे, जो कि की सजेस्ट पे ही है। आप मेरे चैनल पे यहाँ पे आओगे तो आपको जो कीवर्ड सर्च का, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, ये की सजेस्ट का ही है, उसके अलावा और भी आपको जो है वो मिल जाएंगे यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च टूल, तो ये सब की सजेस्ट का ही जो है वो वीडियो है, वो आप देख सकते हो, पूरा डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। और अगर यहाँ पे अगर आपको मैं थोड़ा सा और इसमें बताऊँ तो आपको यहाँ पे सिंपल सा इंटरफेस मिलता है, जिसमें कि आपको यहाँ पे कीवर्ड डालना होता है, जैसे कि मान लीजिए हाउ टू लूज वेट, यहाँ पे भी मैं डाल के सर्च करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड वाइड आपको करना है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए करना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मेन इसमें इंडिया, US और पाकिस्तान, ये 3 ही कंट्रीज जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज पूरे वर्ल्ड वाइड का सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इंडिया के लिए अगर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये आपको पूरा डेटा जो है वो दे देगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या डेटा देता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने पूरा डेटा जो है वो दिया हाउ टू लूज वेट पे। सर्च वॉल्यूम जो है 1,65,000 है, कीवर्ड डिफिकल्टी 60 है, पेड डिफिकल्टी 38 है, CPC $0.31 है, ठीक है। और नीचे अगर आप आओगे तो आपको सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी कीवर्ड डिफिकल्टी और CPC के साथ। इस पे बिडिंग कितनी हो रही है वो भी आपको मिल जाएगा, ट्रेंडिंग इसका क्या है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, वो भी हर एक पर्टिकुलर कीवर्ड का, ठीक। और आइडियाज़ भी आपको लग जाएंगे कि कौन कौन से कीवर्ड पे आपको जो है वो आपको आर्टिकल लिखना चाहिए, कौन कौन से कीवर्ड आपको अपने आर्टिकल में यूज़ करना चाहिए, वो सारे जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। सिमिलर कीवर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, हाउ टू गेट रिड ऑफ बेली फैट, ये सारे सिमिलर कीवर्ड्स हैं हाउ टू लूज वेट के। हाउ टू लूज वेट अगर आप लिख रहे हो तो ये सारा भी आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड करोगे, जैसे कि रिड्यूस बेली फैट, गेट रिड ऑफ बेली फैट, लूज बेली फैट फास्ट, बर्न बेली फैट, ठीक है, ये सारे सिमिलर कीवर्ड्स हैं जिसको यूज़ करोगे तो इन सभी कीवर्ड्स पे भी आप रैंक कर सकते हो, ठीक। तो ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है और इसमें भी मैं बता दिया,
उसके बाद अगला जो टूल है वो गूगल ट्रेंड्स है। गूगल ट्रेंड्स के बारे में पता होता होगा आपको कि ये जो है गूगल पे जितनी भी ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही होती हैं उसका पूरा लिस्ट ये आपको देता है। तो यहाँ से आप जो है वो कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं और नए नए टॉपिक्स के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये गूगल ट्रेंड्स का जो इंटरफेस है यहाँ पर सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जो जिस कंट्री के लिए करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर इंडिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना सर्च टर्म डालना है, जैसे कि तो यहाँ पे मैंने जो है वो हाउ टू लूज फैट ये अगर मैंने डाल के यहाँ पे सर्च किया तो आप देख सकते हो कि इसका जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। यहाँ पे इसका ट्रेंड आप देखो, ये कभी जो है नवंबर में आप देख सकते हो 79, फिर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 98, ठीक है। इसी तरह से ये ट्रेंड जो है ऊपर नीचे ये जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन से मंथ में कितना इसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है, किस मंथ में ट्रेंड नीचे आ रहा है, वो सारा आपको यहाँ से दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आप नीचे आओगे तो आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेरीज आपको मिल जाएंगी, जैसे कि हाउ टू लूज बेली फैट नेचुरली इन वन वीक, हाउ टू लूज बेली फैट नेचुरली, हाउ टू लूज बेली फैट आफ्टर सी सेक्शन, हाउ टू लूज स्टमक फैट फॉर मैन। उसके अलावा और यहाँ पे और भी क्वेरीज मिल जाएंगी, ठीक है, और उसके रिलेटेड टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि वो अगर बेली फैट लूज़ करना है तो उसके लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो सीटिंग हो गया, लाइट स्किन फेनोग्रिक, ये सारे चीज़ आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं। कौन से रीजन में ये चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा आप जो है यहाँ पे जो सर्चेज हैं उस पर आप जो है ये पास्ट कितने दिन का आपको सर्चेज चाहिए, जैसे कि पास्ट 7 days, 30 days, 90 days, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। कैटेगरीज यहाँ से आपको मिल जाती हैं और फिर वेब सर्च जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको इमेज का अगर SEO करना है तो यहाँ से आप इमेज सर्च करके आप उसका भी कीवर्ड निकाल सकते हो। न्यूज़ के लिए करना है तो न्यूज़ सर्च करके कीवर्ड निकाल सकते हो, गूगल शॉपिंग करके कीवर्ड निकाल सकते हो, यूट्यूब सर्च करके आप उसका कीवर्ड भी यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक, कि यूट्यूब पे इस कीवर्ड का सर्च ट्रेंडिंग क्या है वो सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है अगर दूसरा कीवर्ड है तो उसको आप यहाँ पे लिख करके उसका कंपेयर कर सकते हो पहले वाले कीवर्ड से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने हेयर लॉस लिख करके अगर कंपेयर किया तो दोनों में किसका ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला कीवर्ड और ऊपर वाला कीवर्ड, तो आप देख सकते हो कि हेयर लॉस वाला जो कीवर्ड है इसका जो ट्रेंड है ये ऊपर जा रहा है और फिर ये जो है यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दोनों कीवर्ड के बारे में ये पूरा दे दिया और दोनों कीवर्ड के बारे में यहाँ पे भी डेटा दे रहा है और नीचे यहाँ पे भी आपको दोनों कीवर्ड से का डेटा पूरा दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो रिलेटेड क्वेरीज में पोस्ट कोविड हेयर लॉस, पोस्ट कोविड हेयर लॉस ट्रीटमेंट, डज कैफीन कॉज हेयर लॉस, हेयर फॉल आफ्टर कोविड, तो ये सब चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस करने को गूगल ट्रेंड से मिल जाता है। उसके अलावा अगला मैं टूल अगर आपको बताऊँ तो वो है गूगल का ही कीवर्ड प्लानर, जो कि बिल्कुल फ्री टूल है और जिसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो किसी भी तरह के कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज में अगर आप करना चाहते हो कीवर्ड रिसर्च वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप को अपना एक साथ जो है बहुत सारे कीवर्ड भी सर्च कर सकते हो या कोई एक कीवर्ड भी आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट विथ कीवर्ड्स करना है, तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हमें कोर्ट्स के लिए या फिर शायरी वेबसाइट के लिए अगर कीवर्ड सर्च करना है तो यहाँ पे ये मान लीजिए मुझे सैड शायरी पे कोई कीवर्ड सैड शायरी पे कीवर्ड रिसर्च करना है तो या फिर सैड शायरी इन हिंदी ये डाल करके मैं जो है गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो है जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारा ये जो है यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे जो डेटा आया है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप अपना सर्च एरिया बढ़ाना चाहते हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रॉडन योर सर्च एरिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये और भी सजेशन दे रहा है और नीचे यहाँ पे आप आओगे तो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, जैसे कि सैड लव शायरी, ब्रोकन हार्ट शायरी, अलोन शायरी, सैड शायरी इमेजेस, और इसके जो है मंथली सर्चेज हैं, कंपटीशन आपको मिल जाता है और इस पे कितना बिड्स लगा हुआ है ये आपको मिल जाता है। ये सारे कीवर्ड्स को आप जो है वो यहाँ से रिफाइन भी कर सकते हो और सारे कीवर्ड्स को आप जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का
ऑप्शन मिल जाता है। ठीक, तो ये जो टूल्स हैं वो आपको फ्री में कीवर्ड रिसर्च करने का पूरा अच्छे से वो सारा चीज़ प्रोवाइड करता है आपको, जो भी चीज़ चाहिए, चाहे वो मंथली सर्चेज हो, कंपटीशन हो, बिड्स हो या फिर CPC हो, ये सारा चीज़ फ्री में देता है, जिसके लिए आपको किसी पेड टूल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एडवांस कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो, आपका वेबसाइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और एडवांस कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो, तो उसके लिए आप RF या SEMrush जैसे टूल को यूज कर सकते हो, वो भी ग्रुप में बाई करके भी यूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी चीप पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल पे हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हो और वहाँ पे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो और आपको टूल में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो क्योंकि टूल काफ़ी कॉस्टली आता है, तो उसके लिए ये जो 4-5 टूल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है आपके लिए और बहुत ही डिटेल में आपको डेटा देता है और वो भी सारा डेटा जो है वो गूगल का डेटा आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैंने जो कीवर्ड रिसर्च बताया, अगर इसको आप यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा अपने वेबसाइट की रैंकिंग में, और अगर आप इसको यूज़ करोगे तो बहुत ही आप खुद ही देख लोगे कि आपका क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था और मैंने फ्री कीवर्ड रिसर्च पे बहुत सारे वीडियोज़ पहले भी मैं डाल चुका हूँ, जिसको कि आप यहाँ पे आकर के मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।